हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन टॉपिक, जो कि पेपर वन यूजीसी नेट एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो आज हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेट इज़ अनुज जिंदल यूजीसी नेट, ताकि आपको सारी यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो भी आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं सो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैं तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके उन क्वेरीज को पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड कर दें। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो पहले ही यहाँ पे फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन बता दिया गया है जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलरेडी रूमर्स को जन्म देता है एंड गॉसिप्स को जन्म देता है, बट उसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप का इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप ट्रस्ट के बेसिस पे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन पता होने चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो पहले इन चारों ऑप्शंस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सिंगल स्टैंड नेटवर्क कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके का डायग्राम होता है जहां ए ने बी को बताया एंड बी ने सी को बताया एंड सी ने डी को बताया। तो इस तरीके से एक लाइन फॉलो होती है, जनरली उसे हम सिंगल स्टैंड नेटवर्क कहते हैं और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप कहलाता है। बी देखते हैं गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क होता है कि जब एक बंदा सेंटर में खड़ा हुआ है और आप रैंडमली किसी से भी गॉसिप कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई फ्लो ऑफ पैटर्न नहीं है, बस एक जनरल में सोर्स एक है कि एक किसी बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन पता चली और वो रैंडमली लोगों को कॉल कर करके बताने लगा, तो इसे हम गॉसिप नेटवर्क कहते हैं। सो ये भी एक फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड वी। अब ये ऑप्शन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इन्वर्टेड वी जो होता है ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है जहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है जहाँ पे इसका पर्पस ये होता है कि जो इम्प्लॉयज़ हैं या आप कह सकते हैं कि जो सुबॉर्डिनेट्स हैं वो एक तो अपने बॉस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहाँ पे इस केस में ए एंड बी सुबॉर्डिनेट्स हैं एंड सी एंड डी बॉस हैं। सो ए एंड बी सी अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से तो कोऑर्डिनेट कर ही सकते हैं या बात कर सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर के भी बॉस से बात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी का बॉस डी है, सो यहाँ पे ए एंड बी डी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये एक टाइप का फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये भी हमने समझ लिया है। डी है क्लस्टर नेटवर्क। अब क्लस्टर नेटवर्क एक फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं फिर भी आप सिर्फ ऐसे ही लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप किसी से भी रैंडमली कम्युनिकेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस की बात करें कि अगर ऑफिस में आपको आपके बॉस ने डांटा है या आपको कोई बात पता चलती है या आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है तो आप रैंडमली गॉसिप नेटवर्क फॉलो करके किसी से भी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, आप सिर्फ उन अपने कलीग से चीज़ें डिस्कस करते हैं या उन्हें बताते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ऑफिस में बट स्टिल आप सिर्फ उनसे चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। सो क्लियर कट आंसर जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्लस्टर नेटवर्क। सो आप देख सकते हैं कि कई टाइप के नए नए क्वेश्चंस मैं आज लेके आ रहा हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन और जो भी पेपर वन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो गए हैं। सो काफ़ी नए नए टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए जितने ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने का। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर आपको याद हो हमने अपनी पुरानी वीडियो में 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा था जिसमें से एक था कंसिडरेशन। तो यहाँ में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टर्म है या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंसिडरेशन एज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन या फिर रिप्रेजेंट करता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर्स, इसका मतलब आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखते हैं। सो इसको हम कई बार ऐसे भी कहते हैं अगर आपने नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज किया होगा लोगों से बात करते हुए कि स्टूडेंट्स आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझिए या आप मुझे भी तो कंसिडर करिए। सो ये बिल्कुल जो टर्म है ये कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट करता है और यही मेरे ख्याल से बेस्ट सूटेबल आंसर होना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम सारे ऑप्शन को देख लेते हैं।
बी नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन, ये कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कंसिडरेशन से रिलेटेड हो, जबकि ये ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं करने के लिए कह रहा है. सी एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम, मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है या स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, अगेन ये स्टेटमेंट भी कंसिडरेशन से रिलेटेड नहीं है. डी बींग पर्टिकुलर एंड क्लियर, जिसे हम ये भी कहते हैं कि टू बी वेरी कंसाइज एंड ब्रीफ रहना. सो ये इस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. सो यहाँ जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स. सो जब आप किस अपने आप को दूसरे के शूज में या दूसरे की जगह पे रख के देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम कंसिडरेट हो रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं अपने आप को उस सिचुएशन में रख के. सो कंसिडरेशन का ये आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. Which of the following would influence the effectiveness of communication in classroom instruction in a critical way? So, effectiveness of communication से question दिया गया है कि अगर आप classroom में instruct कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा method है जो आपकी communication को better effective बनाएगा classroom के अंदर. So, टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों टॉपिक से ओवरलैप्ड क्वेश्चन है ये. सो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि टीचिंग और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो सकते हैं, बट उनका कंटेक्स्ट सेम रहेगा. हमें उस कंटेक्स्ट को लॉजिकली समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. टीचिंग एड्स यूज बाय द टीचर वाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप कुछ ऑडियो विजुअल या फिर ग्राफिकल डायग्रामेटिक टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने में, सो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बच्चे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो भी आप क्लास में उन्हें सिखा रहे हैं विदर इट भी सब्जेक्ट नॉलेज या किसी और टाइप का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. सो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए. फिर भी एक बार बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं. टीचिंग स्टाइल प्रिफर्ड बाई टीचर वाइल ट्रांजैक्टिंग, बिल्कुल ठीक है. आप किस तरीके से पढ़ाते हैं ये भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है इफेक्टिवनेस में, कि अगर आपकी स्टाइल स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट सेंटर्ड है तो वो इफेक्टिव होगी. बट जितना इफेक्टिव टीचिंग होगी थ्रू टीचिंग एड्स का यूज़ करते हुए, आई डोंट थिंक कि टीचिंग स्टाइल से इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन में लाई जा सकती है, क्योंकि जो भी इफेक्टिवनेस वाली जो चीज़ है या जो इफेक्टिवनेस का एलिमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बच्चे समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. तो क्योंकि टीचिंग एड्स का यूज़ करके चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव हो जाती हैं, बहुत ही सिंपल हो जाती हैं, इसलिए आई थिंक फर्स्ट आंसर होना चाहिए. एक बार फिर भी थर्ड देख लेते हैं. अकेडमिक इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर, डेफिनेटली आपकी कैसी इंटेलिजेंस लेवल है ये मैटर करती है, बट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है. डी सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, आपकी सब्जेक्ट पे कितनी ज़्यादा कमांड है, जितनी ज़्यादा आपको सब्जेक्ट पे कमांड होगी उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे. बट इन सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हुए हम क्लियरली देख सकते हैं कि टीचिंग एड्स एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा एलिमेंट है जो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाता है. क्योंकि हम भी जब स्कूल में थे हमें जब डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू चीज़ें समझाई जाती थी तो वो हमें बेटर समझ में आती थी. और यहाँ पे पर्पस यही है कि बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या जो भी एकेडमिक लर्निंग जा रही है वो बेटर तरीके से समझ आए, इसलिए जो क्लियर कट आंसर यहां पे हो जाएगा वो हो जाएगा ए. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब यूजिंग विच ऑफ द बिलो मेंशन एलिमेंट, मतलब क्लासरूम कम्युनिकेशन को आप नीचे दिए हुए कितने ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इज इट ए एक्सप्लोरेशन, इज इट डी डिस्कोर्स, इज इट सी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इज इट डी नॉन सिग्निफाइड नरेशन. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा क्योंकि जो टर्म्स हैं वो डिफिकल्ट हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर टर्म्स डिफिकल्ट आ जाते हैं और उनका मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं पता है तो फिर हमारा आंसर गलत हो सकता है. इसलिए एक बार इन टर्म्स को इवेल्युएट करने की समझने की कोशिश करते हैं. एक्सप्लोरेशन होता है कि जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके नई चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं या न्यू चीज़ें लेके आते हैं तो उसे हम एक्सप्लोर करना या एक्सप्लोरेशन कहते हैं. सो ये तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को नहीं दिखाता क्योंकि जनरली बच्चे इतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं. सो एक्सप्लोरेशन तो आंसर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. डिस्कोर्स का मतलब होता है जब भी आप रिटन या स्पोकन फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं या आप डिस्कशन करते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे या डिस्कशन कह लीजिए. सो ये आंसर हो सकता है क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन में जनरली सबसे ज़्यादा डिस्कशन या फिर रिटन एंड स्पोकन फॉर्म में ही बातें की जाती हैं, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो या फिर वो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हो. सो ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से. फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है कि जब आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से रह रहे होते हैं और वहाँ पे सेम टाइप का बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसकी जो नॉर्म्स एंड बिलीव्स हैं वो आपके रग रग में बस जाती हैं और आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाते हैं. सो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन
का कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी के बिहेवियर में। अब क्योंकि स्टूडेंट्स का ऐसा बिहेवियर नहीं होता है, उन्हें कुछ भी रिजिड तरीके से नहीं सिखाया जाता, इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेस्ट डिस्क्राइब नहीं करता। ये जनरली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्योंकि वहाँ पे एक सेट फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स या आप कह लीजिए एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो किया जाता है। सो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। डी देखते हैं, नॉन सिग्निफाइड नरेशन। नॉन सिग्निफाइड नरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप बिना कोई फोकल पॉइंट बनाए या बिना किसी सिग्निफिकेंस के या सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ एलिमेंट डिसाइड किए बिना कुछ भी नरेशन देने लगते हैं या किसी भी कंटेक्स्ट में बात करने लगते हैं तो उसे हम नॉन सिग्निफाइड नरेशन कहते हैं। जनरली आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें नहीं होती हैं क्लासरूम में, इसलिए नॉन सिग्निफाइड नरेशन भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट और सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर दिख रहा है वो है डिस्कोर्स, दैट इज डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। सो ये सबसे ज्यादा क्लासरूम कम्युनिकेशन में देखा गया है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हैप्टिक्स कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है। हैप्टिक्स इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो टच से रिलेटेड है। इसका मतलब जब भी आप किसी को टच करते हैं फिजिकली किसी भी फॉर्म में, whether it be in the form of hands के handshake, hugs और giving a pat on the back, शाबाशी देते हैं, तो आप कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसे हैप्टिक्स कहते हैं। सो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन सा हैप्टिक्स का कॉम्पोनेंट है। हैंडशेक, बिल्कुल यहाँ पे टच एलिमेंट इन्वॉल्व है तो ये हैप्टिक्स का पार्ट है। सिटिंग पोस्चर, या आप अपने नॉर्मल पोस्चर में बैठे हुए हैं, ये एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन तो ज़रूर है बट ये हैप्टिक्स नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी दो एलिमेंट, दो फिजिकल चीज़ें या दो फिजिकल पर्सन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगेन फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपके चेहरे का एक्सप्रेशन है, अगेन ये नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर है लेकिन यहाँ पे अगेन टच एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व है इसलिए ये हैप्टिक्स नहीं है। आई कॉन्टैक्ट, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप आई कॉन्टैक्ट के जरिए या आई के एक्सप्रेशन के जरिए अलग अलग चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। तो जब भी जैसे ही आप आई वर्ड यूज़ करें आप तुरंत ऑक्यूलेसिक्स आंसर मार्क कर सकते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यूजिंग आइज। कई बार आप आईब्रोज को रेज करते हैं सरप्राइज होके, कई बार आप बहुत ज़्यादा घूर के देखते हैं अगर आप टीचर हैं स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए कि प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, या फिर आप डांटने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं उसे। तो ये सारे जो भी आइज के एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट दैट इज हैंडशेक टच से रिलेटेड है, इसलिए जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी, दैट इज वन ओनली। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई होप कि जो भी आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं और इतने ज़्यादा नए कंसेप्ट डिस्कस किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले UGC नेट के एग्जाम में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके, जिसमें हम रेगुलर वीडियो PDFs एज वेल एज क्विज भी रेगुलरली paper 1 एंड paper 2 से रिलेटेड कंटक कराते रहते हैं। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।